तरीके से कहेगा बच्चा भेज सकूं, एक्सपीरियंस 30 साल और केवल 2.5 साल, लेकिन खन्ना गुरु ने कहा 8 बजे नहीं 10 बजे तक। भाई बारिश आई है, वहां को भुगतान हम ही तो करेंगे, कौन करेगा। चुंदड़ी जयपुर से मंगवाई, रहेंगी सोने की गढ़वाई, खाली उससे काम नहीं चलेगा खन्ना गुरु, पूरी पूरी लाइन सुने, मैं लिख के क्या लाया हूं। देव दैत्यों की टीम चुरियाई, काका बैठ जाओ आराम से। देव दैत्यों की टीम चुरियाई, शक्ति मिलजुल खूब लगाई, देवदैत्यों की टीम जुरियाई, शक्ति मिलजुल खूब लगाई, कब करी सागर की खूब मथाई, वो अमृत गगरी निकल के आई, करी सागर की खूब मथाई, रे गगरी ऊपर निकल के आई। का याद डाल रही है बाके जैसी, जैसे वो घर में कार्य कर रही है चूल्हे ने जीतू करियो को। गुरुदेव सागर मंथन रतन तो निकले अनेक, लेकिन मेरी कहानी घूम रही है अमृत कलश के आसपास। देव दैत्यों की टीम जुर आई, ये ताकत अपनी खूब लगाई, खूब सागर की करी मथाई, तो अमृत गगरी निकल के आई। आपके कहने पे घबरा है हाँ। और ये पूरा गब जाएगा मेरे पास आ जाना, काम भी है तुमसे। देख करी सागर की खूब मथाई, तो अमृत गगरी निकल के आई, और बूंद कुछ छल की, बूंद कुछ छल की, वो अमृत जल की कन्या पैदा हो गई है। दोबारा से समझे पंडित जी, लिख रहे दोबारा से समझे। बूंद कुछ छल की वो अमृत जल की, बूंद कुछ छल की वो अमृत जल की, वो कन्या पैदा है गई है। व्याख्या में सुने, जब अमृत कलश समंदर से निकला तो उसमें से कुछ बूंदें छलक कर धरती पर गिर गई, और जब धरती पर गिरी तो उन बूंदों से कुछ कन्याएं पैदा हुई। उन कन्याओं के बारे में तुमसे पूछना क्या है। बूंद कुछ छल की वो अमृत जल की, बूंद कुछ छल की वो अमृत जल की, बूंद कुछ छल की वो अमृत जल की, कन्या पैदा है गई है। कौन बसा उनके मन माही, कौन बसा उनके मन माही, गई वो कन्या किसको ब्याही, बताओ किस पे वो सहता, बताओ किस पे वो सहता, बताओ किस पे वो सहता, बताओ। दोबारा लिखवा दूं तुम्हें, काफी देर है छोरा, काफी देर। हाँ मैं सैदा बोल रहा हूँ, वो सैदा है गई है, मैं पूरी कर लियो, कई परेशान हूँ। मेरी तरफ से खन्ना गुरु एक गीत आपके चरणों में रखने की कोशिश करूंगा, और बहर माता के बारे में भैया ने भी गा दी और मैंने भी गा दी, और कोशिश करूंगा कि माँ के लिए एक एक टुकड़ी हम लास्ट राउंड में और गा करके जाएं।
क्योंकि बिना माँ की कृपा के तो यहाँ कुछ हो नहीं सकता, इसलिए मात्र एक गीत मैं अपनी तरफ से और भैया को नंबर दूंगा। माँ सा बजाएं अब की बार पूनम में जब तू आएगा मिलने। किसी ने अब की बार पूनम में जब तू आएगा मिलने, अब की बार पूनम में जब तू आएगा मिलने। हमने सोच रखा है रात यूं गुजारेंगे और मस्तियां लुटा देंगे सुख तेरे कदमों, मस्तियां लुटा देंगे सुख तेरे कदमों में। हमने गाह से तेरी आरती उतारेंगे। परम आदरणीय गुरुदेव विजेंद्र शर्मा जी रसिया सम्राट दो लाइन किया करते थे, क्या ये धर्म चोरी हो गया और ईमान चोरी हो गया, अरे लुट गई इंसानियत इंसान चोरी हो गया। पंडित जी एक मिनट पहले आपने कहा था जो रामवीर जवाब देता है वो ही गा दे, जो रामवीर के आगे गाते हो वो हमारे आगे गाओ ही मत, नया गाओ ना, तुम नया गाओ हम नए तरीके से जवाब देंगे। अब कोई पूछेगा कि दशरथ के पिता कौन थे, तुमसे पूछेगा तुम भी महाराजा जी बताओगे, मुझसे पूछेगा मैं भी महाराजा जी बताऊंगा। अब ये क्या बात हो गई कि ये तो जवाब साहब रामवीर देता है, तुम बात ऐसी गाओ ना जो रामवीर के आगे तुमने गाई नहीं हो, तुम नहीं बात गाओ हम नया जवाब देंगे। और दूसरे की बात गाते तो ऐसे गाते हैं धड़ल्ले पे तुम्हारी छाती पे तुम्हारी लाइन गा रहे हैं, धर्म चोरी हो गया ईमान चोरी हो गया और अब लुट गई इंसानियत इंसान चोरी हो गया, ये अब लुट गई इंसानियत
इंसान चोरी हो। क्या कल सुना एक सेठ का सामान चोरी हो गया और मंदिर में जाकर देखा तो भगवान चोरी हो। ये मंदिर में जाके देखा तो ये भगवान चोरी हो गया। कन्या गुरु क्या माहौल बन गया देखें। स्वार्थ का देखो कैसा, स्वार्थ का देखो कैसा आ गया जमाना। स्वार्थ का देखो कैसा आ गया जमाना। स्वार्थ का देखो कैसा आ गया जमाना। पुत्र और पिता के यहाँ पे, पुत्र और पिता के यहाँ पे रिश्ते टूट लेते हैं। अगर पुत्र का स्वार्थ पिता से खत्म और पिता का स्वार्थ अगर पुत्र से खत्म तो दोनों के संबंधों में खटास पैदा। अरे पुत्र और पिता के यहाँ पे रिश्ते टूट लेते हैं और मतलब को जानते हैं। खन्ना गुरु मतलब को जानते हैं फिर न पहचानते हैं। मतलब को जानते हैं फिर न पहचानते हैं। मतलब को जानते हैं फिर न पहचानते हैं क्योंकि मतलब परस्त इस दुनिया में किन किन पे भरोसा होता है। किन किन पे भरोसा होता है, किन किन पे भरोसा होता है। गौर करें आनंद में तो व्यवधान पड़ा है बारिश की वजह से, लेकिन ये गीत तो पहले ही नंबर पे हो गया होता अगर व्यवधान नहीं होता तो। मतलब परस्त इस दुनिया में और किन किन पे भरोसा होता है। आने वाली हर एक घड़ी पल छिन पे भरोसा होता। अरे आने वाली हर एक घड़ी पल छिन पे भरोसा होता है। गुरुदेव मुकेश पंडित जी माता पिता भैया बेटा नातिन पे भरोसा। रिश्ते गिनवा रहा हूं तुम्हें रिश्ते। आदमी किन की उम्मीद में जीता है। अरे मैया होते हैं भाई तो पापा होते हैं। भैया बेटा नाती पोते तक लाइन लग रही है कोई समस्या आवेगी तो। अरे माता पिता भैया बेटा नातिन पे भरोसा होता है। लेकिन इसी लाइन को नेगेटिव कर दीजिए। पहले बात चल रही है नातिन पे भरोसा होता है। अरे माता पिता भैया बेटा नातिन पे भरोसा होता है। नातिन पे भरोसा होता है क्योंकि चुन चुन के धोखा बोल देंगे जिन जिन पे भरोसा होता है। अरे चुन चुन के धोखा बोल देंगे जिन जिन पे भरोसा होता है। इसलिए चाचा मतलब को जानते हैं फिर न पहचानते हैं। कन्या गुरु मतलब को जानते हैं फिर न पहचानते हैं। अपना बना के काम, अपना बना के काम लोग फूट लेते हैं। स्वार्थ का देखो गुरु। आज तक उस रावण को गुरुदेव आप लिखने वाले गौर करेंगे एक ही गीत में तीन बातें चल रही हैं। आज का माहौल अच्छे रिश्तों का बुरा परिणाम और अच्छे नामों का बुरा परिणाम। गीत के अंदर कोशिश की है
आज तक तो उस रावण को, आज तक तो उस रावण को लोग सब ऊक रहे, बना कर उसका पुतला हर बरस फूक रहे, ये बना कर उस रावण को फूक रहे हैं खन्ना गुरु, जिसने सीता को कभी टच करके नहीं देखा, लेकिन उसका पुतला हर बरस फूक रहा है। बना कर उसका पुतला हर बरस फूक रहे, जबकि चाचा सत्यता क्या हो गई है, आज सीता के संग में, आज सीता के संग में न लक्ष्मण चूक रहे, आज सीता के संग में न लक्ष्मण चूक रहे। पहले किसन दुशासन से, पहले किसन दुशासन से गुरु, पहले किसन दुशासन से, पहले किसन दुशासन से द्रौपदी बचाते थे, देखा था प्रयोग के अंदर, पहले किसन दुशासन से द्रौपदी बचाते थे, और आज किसन द्रौपदी को, आज किसन द्रौपदी को खुद ही लूट लेते हैं। भारत का देखो ये कैसा, दूसरा बंद क्या कह रहा है खन्ना गुरु, राम एक भय ब्रह्मचारी, राम रोहिणी फुलवारी, एक परशुराम और एक बलराम, राम एक भय ब्रह्मचारी, राम रोहिणी फुलवारी, राम एक त्रेता युग में, राम एक त्रेता युग में एक नारी व्रत धारी, रामन की कमी अवनाए कि कोई संत भेष में कर रहे, कि कोई संत भेष में कर रहे, और जे धोगी खोटे काम, और कहीं पापी आशा, कहीं पापी राम रहीम है, तो कहीं भोगी आशा। लेकिन अगर अनुसरण करना है तो उन राम का करिए, राम एक त्रेता युग में एक नारी व्रत धारी, और दशरथ के पुत्र राम की मर्यादा सबने जानी, दशरथ के पुत्र राम की मर्यादा सबने जानी। लेकिन खन्ना गुरु भैया जी, आज राम दशरथ के पुत्र राम की मर्यादा सबने जानी, लेकिन मोनू भैया आज के राम, आज राम शिल्पी हनी, आज राम शिल्पी हनी प्रीत क्यूट लेते हैं, आज के राम है तो हनी प्रीत और शिल्पी चाहिए, अरे आज राम शिल्पी हनी प्रीत क्यूट लेते हैं, स्वार्थ का देखो कैसा आ गया जमाना, पिता से आज्ञा लेकर राम सियापन को भाए। पहले जमाने के भैया जी, पहले जमाने के पिता पुत्र के रिश्ते, पिता से आज्ञा लेकर, पिता से आज्ञा लेकर राम सियापन को धाए, पिता संग रोहित बेटा बिकने काशी में,
पिता संग रोहित बेटा दिक निकासी में, माता और पिता को सरवन कंधे पे लिए डोलो, चाचा माता और पिता को वो सरवण कंधे पे लिए डोले, लेकिन चाचा आज श्रवण मात पिता को, आज श्रवण मात पिता को घर में कूट लेते हैं, आज श्रवण मात पिता को घर में कूट लेते हैं। और अंतिम बंद, सावित्री अड़ गई है, सावित्री अड़ गई है, पामन में पड़ गई है, पति की जान की खातिर, पति की जान की खातिर धर्म से लड़ गई है, पति की जान की खातिर धर्म से लड़ गई है। ये 201 रुपए का पुरस्कार परमागणी भैया जी की तरफ से आया, आशीर्वाद चाहूंगा। खन्ना गुरु, वो भी सावित्री थी, पति की जान की खातिर धर्म ते अड़ गई है, लेकिन किसी कारण बस आज के जमाने में अगर पति पर तंगी आ जाए, आज की सावित्री के पति पर तंगी आ जाए, कारण बस दुर्घटना बस वो विकलांग हो जाए, सबकी नहीं कह रहा लेकिन अधिकांश, आप देखिए न्यूज चैनलों पर, अधिकांश पत्नियां विकलांग पति को छोड़ देंगी, निर्धन होने के बाद पति को छोड़ देंगी, लेकिन वो सावित्री पति की जान की खातिर धर्म त्यू अड़ गई है, अड़ गई है सावित्री, अड़ गई है पामन में पड़ गई है, पति की जान की खातिर धर्म त्यू लड़, लेकिन वो जमाना दूसरा, आज तो मामला ही कुछ और है, आदेश हो तो एक मिनट और लूं आपका। सनातन धर्म के अंदर दीपावली के आसपास एक त्योहार आता है, जाको पुजवा रहे थोड़ी देर पहले हम, गुरुदेव आपको कितना ही अर्जेंट काम हो, और अगर तुम्हें सिंगार वाले की दुकान से एक सुई लेनी होगी ना, तो करवा चौथ से 15 दिन पहले भी 1 घंटे से पहले तुम्हें उस दुकान से सुई नहीं मिलेगी। सुनने हो, 1 महीना रहेगा करवा चौथ आ रही है, आहा कोई बात ना है तो बान गई, 2 दिन 4 दिन और गुजरे, बोले 15 ही रह गए, मान के यहाँ ठीक है, बात दूध दिया पे 5,000 मंगा लियो, बालक भेज के 5,000 दूध दिया पे, 5,000 की तो साड़ी आवेगी साड़ी, बाकी को खर्चा बड़ी मुसीबत में पड़ गए, वो कितने लेगी, बोल 10,000 तो कम से कम, एहसान तो काई कर रहे हो, जा मैं आधो सामान तो मुकेश जी तुम्हारी अम्मा ही गुलामती हूँ, घरवाली कह रही है सारा मेरा नहीं होता है, तुम्हारी मम्मी के लिए सिंगार लाती हूँ, कपड़े लाती हूँ, बिछुआ लाती हूँ, फलाना ठिकाना माने 150 आइटम तो मम्मी के गिनवा दे। ये मामला आज की पतिव्रता का, करवा चौथ के दिन पंडितानी बरती है, पंडित जी आए गैया बिड़ार के खेत पे, थे ला भाई यार आज तो बहुत थक गए, मैंने तो सवेरे से रोटी ना खाई, ला पानी लिया पहले 1 लीटर, भीतर तक लग गई, जबकि फूट ना गई ही ये वहां थे कि सवेरे थे मैंने पानी तक ना पियो, जई काजे बरती रही हूं जई काजे, और खेत पे थे हाड़ के आयो, मुंह पे ऑर्डर चला रहा मेरे ही हाथ पे पी देखो आज ही चलो, मां अलमारी में लीटर धरियो बरामदे में न लग रहो पे अपना मर सकत हो, और आज को इतना और गुस्सा करवा रहा है, तो पता कैलेंडर में कहा लिख रही है मैंने पर तो तोड़ो और 13 सूपड़ा
सेंटर में बात कर रहे ना कि सेंटर में ये पतवरता है ना कलयुग की। पहले सावित्री अपने, पहले सावित्री अपने, पहले सावित्री अपने धर्म को निभाती थी। आज तो पति शारीरिक रूप से कमजोर हो जाए, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए, परिणाम क्या आता है? आज की पतिव्रताओं के, आज की पतिव्रताओं के बदल रूट लेते। पंडित जी जवाब करोगे, कोशिश करना काफिया बंदी से हो। अरे आज की पतिव्रताओं के, आज की पतिव्रताओं के, आज की पतिव्रताओं के बदल रूट लेते हैं। मतलब को जानते हैं फिर न पहचानते हैं, अपना बना के काम लोग फूट